ऑफिस से आकर मुझे नई नई कहानियां सुनाती है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं कब तक बर्दाश्त करूं? उन्हें तो एहसास तक नहीं हुआ। कह रहे थे कि अगर दोबारा मौका मिला तो वो दोबारा करेंगे ये सब। मेरे जज्बात को तो उन्होंने रोन के रख दिया। इतना बड़ा धोखा किया है मेरे साथ और उन्हें एहसास तक नहीं है। पहले सब हमारे खिलाफ है, हम किसी और की मुखालफत मोल नहीं ले सकते। अब तुम सोचो अगर उनकी जगह कोई और होता तो मैं उसका क्या हाल करता। लेकिन यहाँ बेबस हूँ क्योंकि मेरे सामने मेरा बाप खड़ा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ये रिश्ता यहीं खत्म होना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स, मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर, शबरेज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज़ की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना ये फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हो, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊंगी और शबरेज़ को जलाऊंगी। तो व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि अब मेहर और शबरेज़ का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स, मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर, शबरेज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज़ की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना ये फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हो, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊँगी और शबरेज़ को जलाऊँगी। तो व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि हम मेहर और शबरेज़ का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स, मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर, शबरेज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज़ की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना ये फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हो, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊंगी और शबरेज़ को जलाऊंगी। तो व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि हम मेहर और शबरेज़ का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स,
मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर शबरेज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज़ की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना यही फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊंगी और शबरेज़ को जलाऊंगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि मेहर और शबरेज़ का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स, मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर्स, शबरेज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज़ की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना यही फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊंगी और शबरेज़ को जलाऊंगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि मेहर और शबरेज़ का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स, मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर्स, शबरेज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज़ की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना यही फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊंगी और शबरेज़ को जलाऊंगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि मेहर और शबरेज़ का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स, मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर्स, शबरेज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज़ की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना यही फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊंगी और शबरेज़ को जलाऊंगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और
आप चाहते हैं कि मेहर और शबेज़ का रिश्ता सही हो जाए, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर शबरेज़ ने अपनी बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज़ की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना यही फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे और इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊंगी और शबरेज़ को जलाऊंगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि मेहर और शबरेज़ का रिश्ता सही हो जाए, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर शबरेज़ ने अपनी बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज़ की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना यही फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे और इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊंगी और शबरेज़ को जलाऊंगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि मेहर और शबरेज़ का रिश्ता सही हो जाए, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर शबरेज़ ने अपनी बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज़ की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना यही फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे और इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊंगी और शबरेज़ को जलाऊंगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि मेहर और शबरेज़ का रिश्ता सही हो जाए, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर शबरेज़ ने अपनी बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज़ की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना
यही फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊँगी और शबरेज को जलाऊँगी। तो व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि मेहर और शबरेज का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, मेहर पर शबरेज ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफरत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफरत की कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर, शबरेज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर, शबरेज़ की माँ और एलेना एक अवरचाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना ये फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊँगी और शबरेज़ को जलाऊँगी। तो व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि मेहर और शबरेज़ का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफरत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफरत की कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर, शबरेज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर, शबरेज़ की माँ और एलेना एक अवरचाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना ये फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊँगी और शबरेज़ को जलाऊँगी। तो व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि मेहर और शबरेज़ का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफरत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफरत की कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर, शबरेज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर, शबरेज़ की माँ और एलेना एक अवरचाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना ये फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊँगी और शबरेज़ को जलाऊँगी। तो व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि मेहर और शबरेज़ का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफरत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफरत की कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर, शबरेज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि
शबरेज तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज नहीं तो शबरेज का भाई ही सही। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज का जो भाई है इसके साथ अपना ये फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। उसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊँगी और शबरेज को जलाऊँगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि हम मेहर और शबरेज का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स, मेहर फर शबरेज ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफरत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफरत की कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर्स, शबरेज ने अपनी बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज नहीं तो शबरेज का भाई ही सही। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज का जो भाई है इसके साथ अपना ये फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। उसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊँगी और शबरेज को जलाऊँगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि हम मेहर और शबरेज का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स, मेहर फर शबरेज ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफरत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफरत की कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर्स, शबरेज ने अपनी बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज नहीं तो शबरेज का भाई ही सही। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज का जो भाई है इसके साथ अपना ये फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। उसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊँगी और शबरेज को जलाऊँगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि हम मेहर और शबरेज का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स, मेहर फर शबरेज ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफरत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफरत की कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर्स, शबरेज ने अपनी बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज नहीं तो शबरेज का भाई ही सही। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज का जो भाई है इसके साथ अपना ये फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। उसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊँगी और शबरेज को जलाऊँगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि हम मेहर और शबरेज का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स,
मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर शबरेज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स शबरेज़ की माँ और एलेना एक अवरचाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना यही फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊंगी और शबरेज़ को जलाऊंगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि मेहर और शबरेज़ का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर शबरेज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स शबरेज़ की माँ और एलेना एक अवरचाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना यही फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊँगी और शबरेज़ को जलाऊँगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि हम मेहर और शबरेज़ का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर शबरेज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स शबरेज़ की माँ और एलेना एक अवरचाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना यही फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊंगी और शबरेज़ को जलाऊंगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि हम मेहर और शबरेज़ का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स मेहर पर शबरेज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर शबरेज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स शबरेज़ की माँ और एलेना एक अवरचाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज़ नहीं तो शबरेज़ का भाई ही सही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज़ का जो भाई है इसके साथ अपना यही फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊँगी और शबरेज़ को जलाऊँगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और
आप चाहते हैं कि मेहर और शबरीस का रिश्ता सही हो जाए, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स, मेहर पर शबरीज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर, शबरीज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरीज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरीज़ की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरीज़ नहीं तो शबरीज़ का भाई ही सही। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरीज़ का जो भाई है इसके साथ अपना ये फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हो, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊंगी और शबरीज़ को जलाऊंगी। तो व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि हम मेहर और शबरीज़ का रिश्ता सही हो जाए, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स, मेहर पर शबरीज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर्स, शबरीज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरीज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरीज़ की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरीज़ नहीं तो शबरीज़ का भाई ही सही। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरीज़ का जो भाई है इसके साथ अपना ये फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हो, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊंगी और शबरीज़ को जलाऊंगी। तो व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि हम मेहर और शबरीज़ का रिश्ता सही हो जाए, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स, मेहर पर शबरीज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर्स, शबरीज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरीज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरीज़ की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरीज़ नहीं तो शबरीज़ का भाई ही सही। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरीज़ का जो भाई है इसके साथ अपना ये फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हो, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊँगी और शबरीज़ को जलाऊँगी। तो व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि हम मेहर और शबरीज़ का रिश्ता सही हो जाए, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूअर्स, मेहर पर शबरीज़ ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफ़रत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफ़रत की कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर्स, शबरीज़ ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरीज़ तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरीज़ की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरीज़ नहीं तो शबरीज़ का भाई ही सही। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरीज़ का जो भाई है इसके साथ अपना
यही फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊँगी और शबरेज को जलाऊँगी। तो व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि हम मेहर और शबरेज का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, मेहर पर शबरेज ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफरत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफरत की कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर्स, शबरेज ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि अगर शबरेज नहीं तो शबरेज का भाई ही सही। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि एलेना अब ये ट्राई करेगी कि शबरेज का जो भाई है इसके साथ अपना ये फैसला करेगी कि अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ। इसका तो ऑलरेडी एक बीवी है लेकिन इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ट्राई करती है कि मैं इसके साथ शादी करके इस घर में जाऊँगी और शबरेज को जलाऊँगी। तो व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हो जाए और आप चाहते हैं कि हम मेहर और शबरेज का रिश्ता सही हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, मेहर पर शबरेज ने लाख कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही और बिल्कुल इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे नफरत करती है और इसे इजहार भी करती है अपनी नफरत की कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम अपने कोशिशें बंद करो, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे बाप के साथ किया है और तुमने हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस वजह से मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। व्यूअर्स, शबरेज ने अपने बहुत सफाई दे दी लेकिन वो मान नहीं रही और वो कहेगी कि शबरेज तुम ही कसूरवार हो। दूसरी तरफ व्यूअर्स, शबरेज की माँ और एलेना एक और चाल चली और इन दोनों ने